हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और यहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की एंगेजिंग इंग्लिश बुक जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर बुक है एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर टुडे नाउ बिफोर आई स्टार्ट यू नो दैट वी आर हेयर एट मैगनेट ब्रेन्स द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिलती है फ्री एजुकेशन क्लास किंड से लेके क्लास ट्वेल्व तक ओलंपियाड हुआ एन हुआ कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए ना सिर्फ सी बट आई की बुक्स भी यहाँ पे आपको सबका परफेक्ट सोल्यूशन मिलता है बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है बेस्ट ऑफ द टीचर्स से एंड दैट टू फॉर फ्री यस वन और टू चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू विन टुगेदर वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग सो हम होंगे कामयाब और इस पॉजिटिव नोट के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विध यूनिट फाइव ऑफ आर क्लास सिक्स इंग्लिश लिटरेचर एंगेजिंग इंग्लिश बुक द नेम ऑफ द पोम इज वर्ड बलून वर्ड बलून बलून क्या होते हैं तो हमें पता है बट वर्ड बलून क्या होता है ये कौन सी चिड़िया का नाम है यही देखने वाले हैं हम इस पोम में सो बिफोर वी स्टार्ट टू रीड अ पोम पहले हम हमारी पोएट के बारे में पढ़ेंगे सो संपूर्ण चटर्जी इज द नेम ऑफ आ पोइट सम्पूर्णा चटर्जी शी स्टिल वॉज बॉर्न इन इथियोपिया एंड ग्रू अप इन दार्जिलिंग नाउ द फ्राइट फ्लॉग एंड अदर फनी फ्रीकी फूडी फी एस टी पोम्स साइट में स्ट्राइक यू ब्लाइंड एंड एबसेंट म्यूजिस बुक्स ओके सो नाओ सम्पूर्णा चटर्जी ने जो ये सारी जो पोम्स लिखे इनकी पोम में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है शी इज हाईली इमेजिनेटिव मतलब आप जब इस पोम को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा इमेजिनेशन क्रिएट किया जा सकता है ठीक है सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोम बिफोर दैट कुछ दिया हुआ है पढ़ लेते हैं कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट वर्ड्स क्या आप ऐसा एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहां वर्ड्स नहीं है जहां आप कुछ सुन नहीं सकते जहां आप कुछ बोल नहीं सकते वर्ड्स ही नहीं है विदाउट वर्ड्स वी वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट आर था एंड फीलिंग्स अब जब तक वर्ड्स नहीं है मैं जो फील कर रही हूं मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट करूंगी साइन लैंग्वेज से मैं आपसे बात कर सकती हूँ लेकिन क्या एग्जैक्ट वर्ड्स में कम्युनिकेट कम्युनिकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इन दिस पोम द पोर्ट टेक्स अस ऑन इमेजिनरी राइड ऑन अ वर्ड बलून टू फील द मैजिक ऑफ वर्ड्स इस पोम में जो पोएट हैं वो हमको एक इमेजिनरी राइड पे लेके जा रही हैं जैसे हॉट एयर बलून्स होते हैं वैसे ही एक वर्ड बलून की राइड पे लेके जा रही हैं जहाँ वो हमें ये बताना चाहती हैं कि इन वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है और वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं आपने देखा होगा कि कभी किसी ने आपको कोई बात कही तो अगर कोई अच्छी बात कही वो भी आपके दिल में रह जाती है कोई बुरी बात करी वो भी आपके दिल में रह जाती है जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो मेजरली क्यों होते हैं उनके शब्दों ने हमको हर्ट किया हुआ होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वही रोल अभी हम इस पोम में देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करें नाउ आई वुड लाइक टू राइड वर्ड बलून हाई अप इन द

अब यहाँ पे वो बोल रही है मेरा जो वर्ड्स होंगे ना मतलब जो मेरे बलून्स होंगे वो डिफरेंट वर्ड्स के बने होंगे जैसे एक है बैंडिकूट बैंडीकूट का मतलब क्या होता है अ लार्ज रैट बहुत बड़ा सा चूहा एंड वॉट इज अरवल सराय कैरवन सराय इज एन इन विद स्पेस टू पार्क कारवास मतलब एक बहुत बड़ा जैसे एक लॉज जैसा होता है जहाँ पे आप कारवास को पार्क कर सकते हो जैसे लोग आते हैं वो लोग रह सकते हैं कारवास सराय जो होता है सराय हिंदी का नाम है और यहीं से ये इंग्लिश वर्ड बना हुआ है ठीक है और पर वन लाइक एक्सक्वेट विच रियली मीन्स टू डेग ना शी इज यूजिंग वेरी डिफरेंट वर्ड्स ये सारे वर्ड्स श्योर आपने कभी सुने नहीं होंगे लाइक बैंडीकोट कैरवा सराय या गर्गानशुआन गर्गान शुन मतलब क्या होता है दैट्स बिग बहुत बड़ी चीज को गर्गनशुअन कहते हैं और अनादर वन लाइक एक्सकिवेट एक्सक्यवेट का मतलब क्या होता है एक्सक्यवेशन का मतलब होता है डिग करना आप जब डिक करते हो कोई चीज़ को जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो कोई डिस्कवरी कर रहे हो तो आप एक्सकेवेट जैसे आपने अगर खोदा किसी चीज़ को तो उसको डिक करने को एक्सकेवेट करना कहते हैं सो so, वो यहाँ कह रही है कि आई विश टू ride अ वर्ड बलून और वो जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए मे बी शी इज़ ऑबसेस्ड विथ वो कैबलरी बिल्डिंग यू नो जिसकी वजह से वो नए नए वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है

तो अगर आप कोई बहुत हीवी वर्ड यूज़ कर रहे हो बेसिकली बहुत टफ वर्ड यूज कर रहे हो तो क्या होगा आपका बलून जो है वो हैवी हो जाएगा तो वो इट वॉन्ट गो हाई अप इन दी स्काई बट समाइम्स सपोज शी वॉन्ट्स टू गो हाई अप इन दी स्काई जब वो चाहती है ऊँची उड़ान भरना तो वो हल्के शब्दों का यूज़ करेगी जैसे इथीरियल या फे इथीरियल का मतलब क्या होता है इथीरियल इज़ वेरी डेलीकेट एंड लाइट इथीरियल का मतलब क्या होता है बहुत ही हल्का और लाइट एंड फ़े का मतलब होता है इंटरेस्टिंग इन और बिलीविंग इन द सुपर लाइक वेन यू आर इंटरेस्टेड इन कोई सुपर नेचुरल पावर्स जो होते हैं जैसे हम भगवान की बात करते हैं हम चमत्कारों की बात करते हैं सुपर नेचुरल पावर में आप बिलीव करते हो या फिर आप जो हो इंटरेस्टेड हो उसमें तो उसे फे कहते हैं सो so, कभी कभी मैं लाइटर वर्ड्स यूज करूँगी सो दैट मेरा जो बलून है इट विल गो हाई अप इन दी स्काई एंड समाइम्स आई मेक माई बेलून ऑफ वेरी हैवी वर्ड्स हैवी वर्ड्स लाइक यू नो समाइम्स आई यूज हैवियर वन एकदम डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक बैंडिक्यूट एंड कैल कैलवासराय और उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हीवी वर्ड्स के जैसे कॉन्जुगेट एंड कॉलोसल लाइक ऑक्टाहीडविल डोम लाइक पॉन्ड्रस एंड पार्लियामेंट लाइक

ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है जहां भी कोई भी चीज जिसकी आठ साइड्स होती है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ऑक्टा का मतलब होता है एट नेक्स्ट इज प्ड्रस पॉन्ड्रस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैवी टेबुनिकल का मतलब होता है अ स्मॉल पोर्टेबल प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब टेबनिकल मतलब एक छोटी सी ऐसी जगह जहाँ पे आप वर्शिप कर सकते हो इट इज़ पोर्टेबल आप उसको मूव भी कर सकते हो तो जैसे मंदिर है मंदिर को आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं ना जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे ये थोड़ी ना हुआ कि मैं तिरुपति गई बाला मालाजी मंदिर बोले बहुत अच्छी जगह है लेके अपने साथ आ गई ऐसा नहीं हो सकता है ना सो so यहाँ पे टेबोनिकल जो मतलब होते हैं ऐसे मंदिर जहाँ पे आप जिनको पोर्टेबल हैं जिनको आप अपने साथ लेके जा सकते हो अब ये सारे वर्ड्स हैवी हैं ये सो नो Very heavy. So the poet is saying that sometimes I'll use easy words like you know ethereal or fey, and sometimes I'll use these heavy words, Taki that the word balloon hai, doesn't drift away. But

जो बेस्ट हैप्पी बलून्स होंगे वो होंगे सिंटिलेट सिंटिलेट का मतलब क्या होता है स्पार्कल चमकना एंड रेडिएट का मतलब क्या होता है लाइट एमिट करना मतलब जिसमें से लाइट निकल रही है सो so, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स में ही ब्राइटनेस है इसीलिए वो कह रही है ये जो बलून्स हैं ये बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल होंगे एंड दे विल फ्लाई लाइक हमिंग बर्ड्स जिस चीज में भी लाइट होती है जैसे हमिंग बर्ड की हम बात करें हमिंग बर्ड से क्यों कंपेयर किया गया है बिकॉज हमिंग बर्ड इज़ अ केयर फ्री बर्ड वो बिंदास जो है वो आसमान में उड़ती है सो so, ये जो ब्यूटिफुल ब्राइट बलून्स होंगे ये हमिंग बर्ड की तरह फ्लाई करेंगे डोंट आस्क मी वेर आई फाइंड देम अब इतने सारे वर्ड्स मुझे पता है मुझसे ये मत पूछना कि मैंने इन्हें कहाँ ढूंढा दे आर इन द डिक्शनरी ये सब ये सारे वर्ड्स कहाँ हैं डिक्शनरी में हैं. एंड बैक होम आई फीड दैम ऑल और जब मैं घर जाती हूँ तो ये सारे वर्ड्स में आई फीड ऑल अब आप किसी को वर्ड्स खिला सकते हो नहीं खिला सकते लेकिन वो यहाँ क्या कहना चाहती है कि ये सारे वर्ड्स मैं किसे बताती हूँ टू माई पेटिग्रीड कैनरी पेडिग्रीड के दो मतलब होते हैं एक तो ये कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रीड से ही बिलोंग करते हो स्पेशली डॉग्स के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे पेडिग्रीड कहते हैं और दूसरा होता है इसका मतलब फ्रॉम अ फैमिली ऑफ हाई सोशल क्लास अगर आप एक हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हो तो उसे भी आप बोल सकते हो पेडिग्रीड सो so, वो यहाँ कह रही है जो मेरी एक छोटी सी येलो बर्ड है जिसे हम कैनरी कहते हैं सो इट्स अ पेडिग्रीड कैनरी क्योंकि मैं उसको इतने बड़े बड़े वर्ड्स बताती हूँ इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ तो आई एम रेजिंग हर क्लास तो वो हाई क्लास से बिलोंग करती है सो शी इज़ नाउ हेअर सिंग इन द लास्ट टेंसा कि मुझसे ये मत पूछो ये सारे वर्ड्स मुझे कहाँ मिले कहाँ मिले मुझे ये सारे वर्ड्स अरे ये सब तो डिक्शनरी में है और जब मैं ये सारे वर्ड्स पढ़ती हूँ सो वंस आई गो

पहला जो हमारा स्टैंडा है अब यहां पे देखो कैसे राइमिंग पैटर्न कैसे पता लगाने हैं हमको हम हर जगह जो है लास्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे ठीक है अब यह देखना है कि इसमें कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं सबसे पहले आप इसको ए मार्क कर दो अब बलून और स्काई ये सेम साउंड करें जैसे हाई स्काई सेम साउंड करें बलून और स्काई नहीं सेम साउंड करा तो इसको बी मार्क दे दो अब है बलून बैंडीकूट ये भी उंड कर रहा स्काई बैंडिकूट ये भी साउंड नहीं कर रहा सेम ये हो गया सी एंड अगेन केविन नो नथिंग सो ये हो गया ए बी सी डी अब इधर देखते हैं लाइक लाइक बिग एक्सकेवेट डिग अब यहां देखो like को अगर आपने ए मार्क कर दिया लाइक like और बिग बिल्कुल सेम साउंड कर रहा इसको हमने बी मार्क कर दिया लाइक like और एक्सकेवेट ये भी सेम साउंड नहीं कर रहा है इसे सी मार्क कर दिया लेकिन बिग और डिग ये सेम साउंड कर रहा है येस yes. तो इसको हम सेम लेटर से मार्क करेंगे इस तरीके से आप किसी भी पोम की पैटर्न पता लगा सकते हो, ठीक है तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर राइमिंग हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर स्टैंडा में डिफरेंट डिफरेंट राइमिंग पैटर्न है यहां का हो गया एबीसीडी यहां का हो गया बी थर्ड स्टैंडा भी देख लेते हैं फटाफट वर्ड्स फे वे अब वर्ड्स में ड रहा है इसको आपने ए दे दिया फे हो गया बी वर्ड्स और वंस सेम साउंड नहीं करते भले ही लास्ट में एस है लेकिन ये ड और स का साउंड है यहाँ पे न और स का साउंड है तो ये हो गया सी लेकिन फे और अवे ये सेम साउंड है तो ये हो गया बी क्लियर ए बी सी बी तो यहाँ पे भी सेम राइमिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है ए बी सी बी और अब हम ये वाले स्टांसर को देख लेते हैं कोलोसल डोम पार्लियामेंट टोम अब ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है ए बी सी बी डोम और टोम सिर्फ यही दोनों सेम साउंड कर रहे हैं बाकी पार्लियामेंट सब अलग है एंड अब ये last भी हम देख लेंगे बी वर्ड्स रेडिएट बर्ड्स अब यहाँ पे वर्ड्स और बर्ड सेम साउंड कर रहा है ए बी सी बी देम डिक्शनरी ऑल कैनरी डिक्शनरी और कैनरी सेम साउंड कर रहा है और ये हो गया आपका पैटर्न। so इस पूरी पोम में मेजरली आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है ए बी सी बी क्लियर विद चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी समरी नाउ वर्ड बलून इज अ क्रिएटिव पोम रिटर्न बाय संपूर्ण चटर्जी। ठीक है जब भी आप किसी पोम की समरी लिखते हो तो पहली लाइन में वो किस तरीके की पोम है नेरेटिव पोम है बैलेड है ये बताओ और दूसरा उसके पोइट का नाम बताओ दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट द समरी ऑफ सो वर्ड बलून एक बहुत ही क्रिएटिव पोम है विच हैज बीन रिटन बाई संपूर्ण चटर्जी इन दिस पोम द पोएट टेक्स अस ऑन एन इमेजनरी राइड ऑन अ वर्ड बलून टू फील द मैजिक ऑफ वर्ड्स इस पोम में जो पोएट हैं वो हमको एक इमेजनरी राइड में लेके जा रही हैं जहाँ पे हमको वर्ड्स का मैजिक फील करने को मिलेगा ओके okay? यहाँ मैंने क्या किया है जब मैं समरी लिख रही हूँ तो दिस इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑलवेज रिमेंबर समरी का समरी में भी हम इंट्रोडक्शन डिटेल्स सप्लीमेंट्री डिटेल्स और कंक्लूजन ऐसे ही लिखेंगे अब है शी डिजायर्स टू राइड अ वर्ड बलून हाई इन द स्काई मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स लाइक बेंडीकोड कैल सराय गगा शुआन एंड एक्सक्वेट जो पहला और दूसरा स्टैंडा है उससे हमने यहाँ पे बता दिया कि उसका मन क्या है वो एक बड़े से वर्ड बलून में ट्रैवल करना चाहती है हाई अप इन द स्काई और वो जो बलून है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का बना होगा जैसे कि बैंडिकूट कैरेवन सराय गर्गाशुआ एंड एक्सक्वेट As she wants to travel quickly, she plans to use lighter words like ethereal and fey. जब वो सोचती है कि उसको बहुत जल्दी उड़ना है बहुत ऊंचा उड़ना है तब वो हल्के वर्ड्स यूज करेगी जैसे ethereal and fey. And she plans to use heavier words like conjugate, colossal, etc. when she doesn't want the balloon to drift away. और उसने प्लान किया है कि वो हैवियर वर्ड्स यूज करेगी डिफिकल्ट वर्ड्स जब वो नहीं चाहती कि बलून जो है वो उड़ के कहीं चला जाए नेक्स्ट इज शी सेट द ब्राइटेस्ट बलून्स वुड बी दंस विद द शाइनिंग हैप्पी वर्ड्स लाइक सिंटिलेट एंड रेडिएट वो कहती हैं कि इन सब में जो ब्राइटेस्ट बलून्स होंगे वो होंगे जो ब्राइट वर्ड्स से बने हैं जैसे सेंटिलेट और रेडिएट दे विल फ्लाई अप इन द एयर लाइक अ हमिंग बर्ड विच फ्लाइज केयर फ्री इन द स्काई और ये जो ब्राइट वर्ड से बने हुए बलून्स हैं ये हवा में उतनी ही केयर फ्री होके जो है उड़ेंगे जैसे कि एक हमिंग बर्ड उड़ती है She says that she finds these words in the dictionary and once she is home, she feeds these words to her canary, who will repeat these words and sound even more impressive. अब यहाँ वो कह रही हैं कि ये सारे वर्ड्स उन्हें मिलते कहाँ हैं डिक्शनरी में मिलते हैं एंड once शी इज़ बैक होम ये सारे वर्ड्स वो किसे बताती हैं अपनी कैनरी को बताती है ताकि वो इन सारे वर्ड्स को सीखे और भी इम्प्रेसिव साउंड करे। थ्रू दिस पोम अब हम आते हैं कंक्ल्यूजन पे थ्रू दिस पोम द पोएट वॉन्ट्स टू एनफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इस पोम के थ्रू जो पोएट हैं वो हमें वर्ड्स की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हैं विदाउट विच वी कैन नॉट कम्युनिकेट आर था एंड फीलिंग्स जिसके बिना हम कभी भी अपने थाट्स और अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते और सामने वाला उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता कम्युनिकेट का मतलब होता है बताना और कॉम्प्रीह का मतलब होता है समझना तो जब तक मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी आप समझोगे कैसे और इनको समझने के लिए किन की जरूरत होती है शब्दों की जरूरत होती है सो दिस वॉज पोम ऑल अबाउट अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं सबसे पहले इसमें यूज हुआ है सिमिली सिमिली का मतलब होता है जैसे मैंने कहा कि शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ प्रिंसेस यहाँ मैं एक लड़की को एक प्रिंसेस से कम्पेयर कर रही हूँ यूजिंग द वर्ड एज एन लाइक इसे हम कहते हैं सिमली सो हमारे पोम में ये वर्ड यूज़ हुआ है दे विल फ्लाई लाइक हमिंग बर्ड्स द वर्ड्स विल फ्लाई लाइक हमिंग बर्ड्स तो वो लोग उड़ेंगे उड़ेंगे कैसे उड़ेंगे हमिंग बर्ड्स की तरह और यूजिंग द वर्ड लाइक तो इसे हम कहते हैं सिमली सेकेंड जो हमने इसमें यूज किया है वो है पसोनिफिकेशन पसोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी निर्जीव चीज को किसी कोई ह्यूमन कैपेबिलिटी देते हो जैसे मैंने बोला कि चांद मुझे देख के मुस्कुरा रहा था तो चांद नहीं मुस्कुराता कभी देखा है चांद की इतनी बड़ी सी स्माइल हो रही है और वो हाय हेलो कर रहा है नहीं होता लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो फूल हैं वो जो है डांस कर रहे हैं या सितारे ज़मीन पे आ गए हैं या इस टाइप की जो हम बातें करते हैं इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन क्योंकि ये आपकी राइटिंग को बहुत इंप्रेसिव बना देता है ठीक है जैसे कि सुबह सुबह जब अलार्म क्लॉक बजी तो मैंने क्या कहा अरे बाप रे इसे बंद करो ये कितना चिल्ला रही है मुझ पर जबकि अलार्म क्लॉक नहीं चिल्ला सकती लेकिन मैंने उसे एक ह्यूमन केपेबिलिटी दी इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन क्लियर तो यहाँ पे आप देखो द वर्ड्स हैव बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें पर्सोनिफाई किया गया है जैसे कि एंड बैक होम आई फीड देम ऑल आप वर्ड्स को किसी को खिला सकते हो नहीं खिला सकते लेकिन उसने यूज किया है आई फीड देम ऑल टू माई पेट इक कैन रीड यहाँ पे वर्ड्स को बोला है ये शाइनी वर्ड्स हैं ये स्पार्कलिंग वर्ड्स हैं तो पूरी जगह पूरी पोह में वर्ड्स को बस किया गया है क्लियर एंड द लास्ट वन इज एलिट्रेशन अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है जब आप एक ही लाइन में किसी पर्टिकुलर लेटर का साउंड का रिपीटेशन करते हो जैसे आप इधर देखो लाइक कॉन्जुगेट कोलोसल दोनों क से चालू हो रहे हैं पॉन्ड्रस पार्लियामेंट पर से चालू हो रहे हैं टोम, से चालू हो रहे हैं तो एक ही लाइन में जब सेम कॉन्सनेंट का जो साउंड है वो रिपीट होता है उसे हम कहते हैं अलिट्रेशन क्लियर सो ये रहे हमारे तीन पोएटिक डिवाइज सो हियर वी आर डन विथ वॉट हियर वी आर डन विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम समरी ऑफ द पोम और उसका हमने राइमिंग पैटर्न भी देख लिया है और पोइटिक डिवाइसेस देख लिए क्लियर अब इसके जो बचते हैं क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर सोल्यूशन वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड देर इज अ गुड न्यूज फॉर यू विच यू ऑलरेडी आई एम श्योर यू नो इट कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अब आपके लिए हिंदी चैनल भी लेके आ गया है विच मीन्स जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं अब उनको कॉन्टेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा कॉन्टेंट अब आपको मिलेगा मैडनेट ड्रिंस हिंदी चैनल पर सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी थिंग क्विकली गो सब्सक्राइब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कैसे बताओगे बाय गिविंग मी अ बिग लाइक सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय